मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी प्रारंभ कर दी गई है। शनिवार के दिन बागली तहसील क्षेत्र की सेवा सहकारी संस्था और खरीदी केंद्रों पर खरीदी प्रारंभ की गई। इस दौरान केंद्र संचालकों द्वारा किसानों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। वहीं तोल काटा का भी पूजन किया गया। सेवा सहकारी संस्था बागली एवं संगीता वेयर हाउस पर गेहूं खरीदी की जा रही है, जहां पर विधायक प्रतिनिधि कमल यादव, नगर परिषद अध्यक्ष सीमा यादव द्वारा तोल काटे का पूजन कर खरीदी प्रारंभ की गई। तो वहीं चापड़ा में मारुति वेयर हाउस पर प्रबंधक राजेश सिंह राजपूत एवं किसान दिनेश पाटीदार द्वारा पूजन कर गेहूं खरीदी प्रारंभ की गई। इस दौरान किसानों का भी संस्था द्वारा स्वागत किया गया। मुहूर्त में दिनेश पाटीदार के गेहूं की खरीदी की गई। बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्रों पर पहुंचे, जहां शासन प्रशासन के अनुसार किसानों के लिए व्यवस्था की गई है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।